राजकुमार जी आ गए ने और इस वक्त गड्डी चो समान कट के रखते पे है। फिर असी उधर बेशक धुंद वा, राजकुमार जी बड़े अच्छे वॉलंटियर आ, जम्मू तो स्पैशली आते ने, इन्हों का परिवार भी इत्थे आ ते NGO दी ड्यूटी भी बड़ी वधिया करते हैं। तो थोड़ी देर तक जिहड़ा हिस्सा हैगा इहनू वधिया करके दिखाने। जय हिंद। हॉस्पिटल तो इसलिए मेरी मम्मा मैंने इतने छड़ के गए हैं ताकि मैं सोशल एक्टिविटीज सीख सकाँ। असी आए मगध ज्ञान केंद्र के सामने बिल्कुल, साढ़े अंकल जी ने जिन्होंने सानू NGO माई फैमिली से बहुत कुछ पाया, जिदा कि अपना विश्वास तय करना, चाह बनानी, सारे रात में गुड मॉर्निंग गुड नाइट करके तो सवेरे गुड मॉर्निंग करनी, इन्होंने सानू बहुत कुछ इधर ये चीज़ें सिखाइया ने। मैं अपना खाना आप ही बना के खा सकता ना। थैंक यू। और 14 के आसपास से जो है 2014 से जो है जी इनके साथ ड्यूटी कर रहे हैं और ये जम्मू ट्रांसफर होने के बाद ये मेरा दूसरी बार जो है आ सके हैं। गुड मॉर्निंग, जय हिंद सारे। मैं यशपुर हंस NGO माई फैमिली तो फतेहपुरी जलंधर शहर का हिस्सा है। तो अज असी इतने वर्क कर आए हैं, इतने हल्की हल्की जी ट्रिमिंग होगी जिहड़ी लगती है, टच हुंदी है आम पब्लिक नूं घूमण वेले बजुर्गां नूं। इह कंडेदार आ देखो साइड ते आ गई है, ते इहनां दी ट्रिमिंग करांगे। कुछ आ जिहड़ा ट्रांसफार्मर आ, मैं दूजी वीडियो बनाना। दोस्तो जिहड़ी समस्या है ना, आ देखो ट्रांसफार्मर आ नाल आ पेड़ टच हो के दे नाल ट्रांसफार्मर दे विच जा रहा, इन्हां दी ट्रिमिंग होनी बहुत जरूरी है ता जो कोई हादसा ना होवे। ये इंसानां दा पाया होया ही हादसा है क्योंकि आ टच हो रही है उहदे नाल। इहदी ट्रिमिंग करांगे माड़ी माड़ी। अपना चेतन जी आ रहे ने ते जोगेश सूरी जी उधर लगे हुए ने। चेतन जी आओगे फिर वर्क स्टार्ट होना। जय हिंद। लो जी ब्रेकफास्ट शुरू हो गया है, तो टीम जी है ब्रेकफास्ट कर रही है। तो उधर देखो जतन जी ने प्लेटा दो रखिया हुई हैं, आ देखो आ दो प्लेटा रख रही इन्हें, ये हाइट के हिसाब ना आ ढिड के हिसाब ना। तो इधर बाकी भी सिस्टम चलता पाया, तो मैं भी खा लवा। हाँ जी जतन जी। जी नमस्कार जी सभी को जी। तो आज हम थे जी चंद्रनगर पार्क में, तो सूरी जी ने ड्यूटी लगाई थी, हमारे वॉलंटियर हैं बड़े अच्छे। तो आज हमारे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से राजकुमार जी हैं जो दूसरी बार हमारी सेवाओं में आए हैं। तो राजकुमार जी से पूछेंगे उनका अनुभव कैसा रहा है और कैसे उन्होंने माई फैमिली ज्वाइन की है, क्या ऐसी प्रेरणा मिली थी कि वो जम्मू से यहाँ पर आ गए। राजकुमार जी नमस्कार। नमस्कार राजकुमार जी, कैसी प्रेरणा मिली कि आपने माई फैमिली सोसाइटी को ज्वाइन करना। देखिए माय फैमिली सोसाइटी को हम सबसे पहले तो 13 या 14 के आसपास में जब हम यहाँ आए थे जालंधर, होशियारपुर से ट्रांसफर हो गए जी, तो ऑफिस में बहुत साफ सफाई देखे जी, ऑफिस का पीछे वाला जो पोर्शन है, गलियारा है, कॉरिडोर्स हैं जी, तो उससे हम प्रभावित हुए और फिर पता किए कि ये इतना बढ़िया सरकारी विभाग में तो जल्दी काम होता नहीं है। तो फिर पता चला यशपाल जी के बारे में कि आपके बारे में विचारा है कि ये पेड़ होगा। हाँ ये पेड़ होगा। फिर यशपाल जी के बारे में पता चला कि सेंट्रल एक्साइज में है हवलदार साहब जो है जी, तो फिर हमको इनसे मिलने की इच्छा हुई। फिर पता चला कि नहीं साफ सफाई पे इनका काफ़ी योगदान है, बच्चों की पढ़ाई पे। तो इस तरह से मैंने इनके साथ जुड़ा और 14 के आसपास से जो है 2014 से जो है इनके साथ ड्यूटी कर रहे हैं और ये जम्मू ट्रांसफर होने के बाद ये मेरा दूसरी बार जो है आ सके हैं। क्या ऐसा था आपका मन नहीं किया कि जम्मू से इतनी दूर 300-400 किलोमीटर आना, छुट्टी कर लूँ, सैटरडे संडे परिवार के साथ हो या कोई फैमिली कोई ऑफिशियल वर्क कर लूँ, जरूरी ये क्यों मन में है कि नहीं वहाँ पे जाके ड्यूटी ही करनी है, देश की सेवा ही करनी। देखिए सर इसमें हम हमेशा कहते हैं, यशपाल सर से भी चर्चा होते रहती है कि लोग सोचते हैं ना कि अकेला हम कर रहे हैं तो कैसे होगा। जी ये नहीं सोचना है कि हम लोग 4-5 हैं जी, जिस समय हम यहाँ कर रहे होते हैं ना काम जी, तो पता नहीं 135 करोड़
के देश में हो सकता है 10 करोड़ होंगे, 2 करोड़ ही होंगे, चलिए 1 करोड़ ही हम मान करके चलते हैं, तो हम लोग 5 नहीं है, हम लोग लगभग 1.5 करोड़ लोग हैं जो आज के डेट में इस समय कहीं ना कहीं साफ सफाई कर रहे होंगे, ट्रिमिंग कर रहे होंगे, पार्कों को सुधार रहे होंगे। तो हमेशा काम करते रहना चाहिए, आप अकेले मत समझिए, कहीं भी कुछ ना कुछ करते रहिए, काम होना चाहिए। धन्यवाद आपका। और एक देश को, कोई यूथ को, युवाओं को कोई संदेश जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको कोई संदेश देना चाहें? सर, युवाओं के लिए तो बस एक ही है, पढ़ाई पढ़िए, कुछ काम करिए, और जो खाली समय है उसमें योगदान करिए, पढ़ना, कुछ काम करना, काम अपने लिए करो, काम अपने लिए, पढ़ाई भी अपने लिए, लेकिन जो योगदान, अब जैसे सरकार है श्रमदान, वही योगदान हो गया, श्रमदान हो गया, तो दूसरों के लिए भी समय निकालिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी एक आइकॉनिक रूप में मैसेज दिए थे, साफ सफाई, जो बीच वाली सफाई उनको जहां भी लगा, तो वो एक आइकॉनिक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दिए थे कि भाई देश के युवा प्रेरित हो। वो बहुत लोग, चलिए उनकी हम पॉलिटिकल वे में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन एक आइकॉनिक बने कि साफ सफाई देश में बहुत जरूरी है, और जब तक साफ सफाई नहीं होगा तो वो हमारे महात्मा गांधी जी के जो चश्मा का जो आइकॉनिक है स्वच्छ भारत कैसे बनेगा, ये सोचने वाली बात है। युवा लोग आज नशे में पड़े हुए हैं भारत में, और इसको हम समझते हैं कि नशा को छोड़ करके आप नशा करना है तो साफ सफाई के लिए नशा करिए, सेवा के लिए नशा करिए, देश में सेवा करने के लिए नशा करिए, तो वो होना चाहिए। और ऐसे तो हमारे साहब हैं, सूरी साहब, ये बुद्धिजीवी ज्यादा हैं, हम तो इनके सामने भाई बच्चे हैं, तो इनको, इनका भी विचार लीजिए। एनजीओ माई फैमिली मेंबर आगे एक बेनती है, जड़ा इत्थे मगध ज्ञान केंद्र आ, जिहड़े भी वॉलंटियर्स दे बच्चे पढ़दे आ, महीने च उन्हां नूं एक दिन इस जगह ते आने पैना। ये हैगा आ मगध ज्ञान केंद्र जमशेद रोड, किरोमाल दी बैकसाइड है, और जिहड़े बच्चे स्टडी करदे आ इस चीज़ ते गौर करन, महीने च एक दिन फ्री ऑफ कॉस्ट इन्हां नूं जिहड़ी जानकारी आ स्टडी बारे वह इत्थे दित्ती जाएगी, और बच्चे दी की रेशो आ स्टडी च वह इत्थे पता लगेगा। जय हिंद। आज जैगर दा अज बड़ा सुख जिहा महसूस हो रहा, तो जिहड़ी धुंद वा तुसी देख सकदे हो, ये हौली हौली इत्थे धुंद बहुत वध गई, खड़े सीगे थोड़ी देर तो, ते अज धुंद च ही काम करेगी टीम। अगर आप जमशेद रोड का फ्रंट देखिए, तो इत्थे जिहड़ा मगध ज्ञान केंद्र आ, ये भाई साहब साढ़े नाल जाते हैं, ड्यूटियां करते हैं, तो धुंद बहुत ज़्यादा होने करके इत्थे इतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं हैगी, और फिर भी जो अपन कुछ नज़र आता तो यह है भी किन्ना ज़्यादा गंद पै जाता। असी हर बार इत्थे आके वर्क करते हैं, और ये जिहड़ा साफ होया है वो आ होया, इदां दी सारी ग्राउंड मिलनी है थोड़ी देर तक। फिर इस तों बाद असी इहदे ते ब्रश कटर मारांगे, ब्रश कटर दे नाल होर बहुत वधिया हो जूगा। राजकुमार जी आ गए ने, और इस वक्त गड्डी चों समान कढ के रखदे पए आ। फिर असी उधर बेशक धुंद वा, राजकुमार जी बड़े अच्छे वॉलंटियर आ, जम्मू तो स्पैशली आते ने, इन्हों का परिवार भी इत्थे आ, तो एन जी ओ की ड्यूटी भी बड़ी वधिया करते हैं, तो थोड़ी देर तक जिहड़ा हिस्सा है इन वधिया करके दिखाने। जय हिंद। काम की जिहड़ी शुरुआत हो गई है, पहला असी आ जिहड़ा हिस्सा आ इनू ही सवारन की कोशिश करांगे, तो दूसरे भाई साहब नाल लग गए है, और ये हिस्सा थोड़ी देर तक बहुत ही वधिया हो जाना। राजकुमार जी ने काम की
जी शुरुआत कर दिती है। फिर इन्होंने साढ़े लिए लैन जानी चाह तो जानो टीम दूजी है जी काम की जी शुरुआत आ वो हो गई है। मगध गयान केंद्र का जोड़ा बोर्ड आ अच्छा लगेगा फ्रंट सोहना लगेगा और आ देखो ये बहुत ही अच्छे वलंटियर आ। जय हिंद। इधरों जी इस वे सफाई हुई है बहुत ही वधिया हुई है। आ जोड़ा हिस्सा अपन साफ दिखता पिया अपने राजकुमार जी आ तो नाल इन्होंने रिलेटिव आ ब्रिज मोहन जी इन्होंने किया और आ जी पोजिशन आ इदा ही जिदा आ देखती भी है पोजिशन इतने भी इदा ही सी। मैं दूरों दिखाना थानू आ देखो फ्रंट बहुत वधिया निकलिया गुड जॉब राजकुमार जी। राजकुमार जी ने इधरों वर्क करन तो बाद हुण दूसरी साइड राजकुमार जी एंटर हो गए है हुण थोड़ा जिहा इधरला कुछ हिस्सा सवारिया जाएगा और उस तो बाद हौली हौली टीम अगे बधेगी और आ जिहड़ा हिस्सा है वधिया हो जाएगा थोड़ी देर तक। गुड जॉब राजकुमार जी। आइडिया मिलिया देखो हत्थां दे नाल जिहड़ी है भांगा निकलदी पई है इहदे नाल बहुत वड्डा एक वाधा आ इस चीज़ ते। कारण यह है जे तोता कटर दे नाल भंग कटी जाती है वह उपरों कटी जानी है पर जिहड़ी जड़ चों निकल जानी है बहुत अच्छी गल है इहदे नाल टाइम भी घट लगेगा तो इस वक्त बड़ी अच्छी मेहनत हो रही है। ये अपने राजकुमार जी है नाल इन्हां दे ब्रदरला ब्रिज मोहन जी है और बड़ी अच्छी ये दोनों मेहनत कर रहे हैं। राजकुमार जी साढ़े बहुत अच्छे पुराने वलंटियर आ 2013-14 तो साढ़े नाल जुड़े हुए ने एन जी ओ दे नाल अज तक कितने भी कोई भी इन्होंने चैलेंज नहीं किया और काम किया छड़ता। जय हिंद। तो माई एन जी ओ फैमिली एन जी ओ माई फैमिली का जो है आज का वर्क 18 दिसंबर दिन रविवार जमशेर रोड जालंधर पे यशपाल हंस जी और ब्रिज मोहन जी लगे हुए हैं तो ये बहुत सारा पोर्शन ये साफ़ हो गया है और ये उधर देखिए जो है खरपतवार जो भी है घास फूस कचरा सबको इकट्ठा किया जा रहा है। लोग पॉलीथीन बहुत फेंकते हैं जो ऐसे सफाई करना बड़ा मुश्किल है कि जो मेन कचरा है आज के डेट में वो ये है जो डिकम्पोज नहीं हो पाता है प्लास्टिक्स वगैरह जो है आप देखिए लोग फेंक देते हैं और कैसे लोग गंदे सिचुएशन में रहते हैं वो आप देख लीजिए लेकिन किन्हीं को ये नहीं लगता है कि हाँ हम इन साफ सफाई। अब देखिए कितना पॉलीथीन नज़र आ रहा है प्लास्टिक लिफाफे तो ये यहाँ पर एनजीओ माई फैमिली जो है लगी हुई है वर्क करने में जितना होता है सैटरडे संडे जो छुट्टी वाले दिन होते हैं उस पर काम किया जाता है पब्लिक की सेवा। एक्चुअल में पब्लिक की सेवा यही है कि आपके लिए जो जगह है निर्धारित पब्लिक प्लेस उसकी साफ़ सफाई करना। जय हिंद जय भारत। ये देखिए एक बड़ा बड़ा पैकेट ये देखिए कितना बड़ा घर से पैक करके अरे आप कॉरपोरेशन की गाड़ियां आती है आप घर से कूड़ा उठवाने वाले सफाई कर्मचारी को लगा सकते हैं। महीने का 100 रुपया खर्च करना नहीं चाहते हैं लोग और ये देखिए ये आप पब्लिक प्लेस पे आप भी किसके लिए कचरा कर रहे हैं भाई। पब्लिक जो है हमारा भारत देश है किसके लिए गंदगी फैला रहे हैं तो ये बड़ा समझने वाली बात है। लेकिन खैर मेरा महान भारत के लोग जो है पता नहीं कब समझेंगे। जय हिंद जय भारत। जी गुड आफ्टरनून सारे मैं भुवन और मैं तेनू मैं फैमिली टू वर्क अज वर्क करने आया वहाँ एक्चुअली मेरे पापा मेरे मम्मा से मेरे मामू होने भी आते होंगे थे बट अज मेरी ग्रैंड मदर जी ने थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए मेरे पापा होने गए हुए थे हॉस्पिटल तो इसलिए मेरी मम्मा मैंने इतने छड़ के गए ने ताकि मैं सोशल एक्टिविटीज सीख सकें। असी आए मगध ज्ञान केंद्र के सामने बिल्कुल साढ़े अंकल जी ने जिन्होंने सानू एन जी ओ माई फैमिली से बहुत कुछ पाया जिदा कि अपना
होना अभी से आप क्या करना चाह बना नहीं सारे रात में गुड मॉर्निंग गुड नाइट करके फिर सवेरे गुड मॉर्निंग करनी इन्होंने सू बहुत कुछ इधर चीज़ें सिखाइया ने मैं अपना खाना आप ही बना के खा सकता मैं थैंक यू हाँ जी दोस्तों मैं तुम्हें एक होर गल करना चाहना हाँ कि सू कभी भी किसी ने लड़ना नहीं चाहिए कभी स्कूल नहीं लड़ना चाहिए धर्म निरपेक्षता कभी भी किसी धर्म के बारे इंसल्ट या किसी के बारे इदा कहना नहीं चाहिए अपनी एक इंडिया वा और सारे धर्म एक ही है सो प्लीज़ दोस्तों ना कभी किसी सीनियर सिटीजन की वो करो इंसल्ट मैं बस यही कहना चाहना मैं ता बहुत थैंकफुल हूँ जो अगर तुम ये चीज़ें फॉलो करोगे ये सू दसिया गई